अगर आप फोटो क्लिक करते हैं या फिर क्लिक करने के समय जो है आपका कैमरा स्लो वर्क करता है, फास्टली जो है वर्क नहीं कर पाता है, और यहाँ पे आपके कैमरे में उतनी क्लियरिटी नहीं दिख रही है जितना कि आपको लगता है कि आपके कैमरे में होनी चाहिए। हमारा जो कैमरा है काफी क्लियर भी जो है वर्क कर रहा है, जब कैमरा ओपन किया था थोड़ा धुंधला धुंधला टाइप का दिखाई दे रहा था, बट यहाँ पे जो कैमरे में हमको क्लियरिटी भी देखने को मिल गई है। दोस्तों अगर आप भी Realme या फिर Oppo का डिवाइस यूज करते हैं और आप भी अपने डिवाइस में जो कैमरे को यूज करते हैं तो यहाँ पे कैमरे में अगर आपको प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, जैसे कि यहाँ पे कैमरा आपका स्टार्ट नहीं हो पाता या फिर कुछ देर तक यहाँ पे कैमरा रन करता है, कैमरा रन करने के बाद यहाँ पे ब्रेक हो जाता है बार बार बीच बीच में, और आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन आ जाता है बार बार, ठीक है, मतलब कई सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं जो कि आपको फेस करनी पड़ रही होंगी अपने कैमरे के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे आज के इस वीडियो के थ्रू मैं इसका सॉल्यूशन बताने वाला हूँ, आप इस ट्रिक को फॉलो कर सकते हैं। और फ्रेंड्स यहाँ पे अगर आपका कैमरा वर्क तो कर रहा है बट यहाँ पे आपके कैमरे में उतनी क्लियरिटी नहीं दिख रही है जितना कि आपको लगता है कि आपके कैमरे में होनी चाहिए, तो उसके लिए भी इन्फॉर्मेशन जो है मैं डिस्कस करने वाला हूँ, और इस ट्रिक को जरूर से आप यूज कर लीजिएगा अपने डिवाइस में। और यहाँ पे अगर आप फोटो क्लिक करते हैं या फिर क्लिक करने के समय जो है आपका कैमरा स्लो वर्क करता है, फास्टली जो है वर्क नहीं कर पाता है और बार बार यहाँ पे एरर हो जाता है या फिर कैमरा ही ऑन नहीं हो पाता है, तो सारी डिटेल इस वीडियो के थ्रू मैं डिस्कस करने वाला हूँ, तो वीडियो को आप कंप्लीट देखिएगा। अगर आप इस चैनल पे नए आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा जिससे कि फ्यूचर में आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्रोवाइड हो जाए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है तो टेलीग्राम भी आप जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। और दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात और बता दूं कि अगर आप अपने डिवाइस में जो फिंगरप्रिंट स्कैनर यूज करते हैं और अगर आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर में जो प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, फिर अगर वो वर्क नहीं कर रहा है, तो ऊपर आई वाले बटन में मैं उस वीडियो का लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा, तो उससे जो है आप अपने फिंगरप्रिंट सेंसर को भी जो है थोड़ा सा इंप्रूव कर सकते हैं, तो उस वीडियो को आप देख लीजिएगा इस वीडियो को देखने के बाद। दोस्तों अगर आप भी अपने डिवाइस में जो है यहाँ पे कैमरे को यूज करते हैं और कैमरे में अगर आपको प्रॉब्लम देखने को मिलती है, तो सारी डिटेल इस वीडियो के थ्रू मैं डिस्कस करने वाला हूं। तो यहाँ पे आज के इस वीडियो के थ्रू मैं बात करने वाला हूं कि आप अपने डिवाइस में जो कैमरा है उसको कैसे यहाँ पे प्रॉपर तरीके से इसका जो फंक्शन है वो वर्क कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसके लिए सिंपली आपको करना क्या होगा, आपको जो यहाँ पे सेटिंग को जो ओपन कर लेना है। जैसे आपकी सेटिंग ओपन हो जाएगी तो आपको सिंपली जो यहाँ पे स्क्रॉल करके नीचे चले आना है, यहाँ पे मिलता है ऐप मैनेजमेंट के एक ऑप्शन, सिंपली इस पर टैप कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको ऐप लिस्ट में जो है टैप कर देना है। जैसे यहाँ पे आपका ऐप लिस्ट जो है ओपन हो जाए तो यहाँ पे जितने भी इंटरनली आपके एप्लीकेशन अवेलेबल होंगी वो शो कर जाएंगी, ठीक है। अब आपको करना क्या है, यहाँ पे टू डॉट्स में जो है सिंपली टैप करना है, यहाँ से दिखेगा शो सिस्टम, इस पर जो है टैप कर देना है। जैसे आप इस पर टैप करेंगे तो यहाँ पे आपको आपके सामने जो ऑल ओवर जो आपके डिवाइस में यहाँ पे जितनी भी एप्लीकेशन इंक्लूडेड होंगी उनको यहाँ पे ओपन कर लेना है। अब देखिए क्या करना है, उसके बाद आपको सिंपली यहाँ पे टैप करना है सर्च बार में और यहाँ पे सर्च कर देना है आपको कैमरा, ठीक है। आपको सिंपली जो है यहाँ पे कैमरा सर्च कर देना है, ठीक है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे कैमरे को सर्च करने के बाद आपको इस पर टैप कर देना है, और यहाँ पे टैप करने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे मिलता है स्टोरेज यूजेज का ऑप्शन, सिंपली इस पर टैप कर देना है और यहाँ से इस डेटा को जो है क्लियर कर देना है, ठीक है। आप यहाँ से इसको क्लियर करने के बाद दोनों चीज आपको क्लियर कर देना है और बैक ले लेना है। यहाँ से मिलता है आपको फोर्स स्टॉप का एक ऑप्शन, सिंपली आपको जो फोर्स स्टॉप पे जो टैप कर देना है, ठीक है। अब जैसे ही इतना वर्क करेंगे आप तो सिंपली आपको बैक साइड में जो है चले आना है और यहाँ पे मिलता है आपको इंजीनियर कैमरा के एक ऑप्शन, ठीक है, सिंपली इस पर टैप करना है और यहाँ से इसको जो है सबसे पहले इस पर टैप करके यहाँ से इसको जो है इरेज कर देना है, यहाँ से क्लियर कर देना है, ठीक है। सिंपली आपको बैक ले लेना है और यहाँ से फोर्स स्टॉप पे जो है क्लिक कर देना है। जैसे आप इतना वर्क करेंगे तो आपके जो कैमरे में जो यहाँ पे प्रॉब्लम्स होंगी, जो भी यहाँ पे एरर देखने को मिल रही होगी, इस फोर्स स्टॉप से जितनी भी प्रॉब्लम्स है वो यहाँ स्टॉप हो जाएंगी, ठीक है। अब आपको करना क्या है, सिंपली बैक चले आना है और अपने डिवाइस को जो है सिंपली जो है रीस्टार्ट कर लेना है। और फ्रेंड्स इतना वर्क करने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे जो है पावर की पे जो है प्रेस करना है और यहाँ से जो है अपने डिवाइस को जो है यहाँ पे मिलता है रीस्टार्ट का एक ऑप्शन, सिंपली इसको रीस्टार्ट कर लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हैं हमारा डिवाइस जो है रीस्टार्ट हो रहा है, तो चलिए थोड़ा सा वेट कर लेते हैं जब तक कि ये रीस्टार्ट होता है। तो यहाँ पे हमारा डिवाइस जो है रीस्टार्ट हो गया है, अब चलिए इसको पासवर्ड जो है अनलॉक कर लेते हैं। तो जैसे आपका डिवाइस अनलॉक हो जाए सिंपली आपको जो कैमरे पे फिर से ओपन कर लेना है। अब यहाँ पे जैसे आप कैमरे को ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा टर्म एंड कंडीशन का एक ऑप्शन, सिंपली इसको अलाउ कर लेना है, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा जो कैमरे का यहाँ पे आप देख सकते हैं इंप्रूवमेंट काफी अच्छे से दिख रहा है। अभी तक आप मेरा कैमरा देख रहे थे, जो क्लियरिटी थी वो वहां पे उतनी क्लियरिटी नहीं थी, बट यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं हमारा जो कैमरा है काफी क्लियर भी जो है वर्क कर रहा है और साथ में काफी इजी मेथड से जो है हमने कैमरे को भी जो है ओपन कर लिया है। देख सकते हैं अभी आप मेरे प्रीवियस वीडियो को जाके बैक करके देख सकते हैं, मैंने जब कैमरा ओपन किया था थोड़ा धुंधला धुंधला टाइप का दिखाई दे रहा था, बट यहाँ पे जो कैमरे में हमको क्लियर भी देखने को मिल गई है। अब आपको करना क्या होगा, ये देखिए इतना करने के बाद आपका जो कैमरा है प्रॉपर तरीके से वर्क करेगा। अगर आप फिर भी चाहते हैं और भी सेटिंग करना तो यहां पे सिंपली टैप करना है, आपको सेटिंग में जो चले जाना है
और सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे मिलता है रीसेट टू डिफॉल्ट का एक ऑप्शन, सिंपली यहाँ से आपको रीसेट कर लेना है। फ्रेंड्स यहाँ पे जैसे ही आप इसको रीसेट कर लेंगे तो सिंपली आपको बैक चले आना है। अब बैक आने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा कैमरा जो है प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। तो काफी अच्छा ट्रिक है, इसको आप यूज कर सकते हैं। इसकी ट्रिक से जो भी आपके यहाँ पे प्रॉब्लम है, अगर आपका कैमरा जो है बार बार ओपन नहीं हो पा रहा है या फिर ब्रेक हो जा रहा है बार बार ओपन होने के बाद, या फिर कोई मैसेज एरर शो कर दे रहा है आपका कैमरा ओपन होने के बाद, तो सारी प्रॉब्लम इस यहाँ से जो है दूर हो जाएगी। साथ में अगर क्लियरिटी की प्रॉब्लम भी आ रही है तो यहाँ पे आप अगर इस सेटिंग को यूज करते हैं तो आपकी क्लियरिटी भी जो पहले के कंपैरिजन में आपको थोड़ी बहुत यहाँ पे इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिल जाएगा। तो आई होप, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।